सर सही कर दिए। बेन जॉनसन वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड एंड ही वॉज कंटेम्प्ररी टू शेक्सपियर एज वेल एज राइवल टू शेक्सपियर, दोनों ही है वो। ही एक्टेड अलॉन्ग विथ शेक्सपियर एंड ही जो है इन हिज ड्रामा शेक्सपियर ऑल्सो एक्टेड एंड इट इज सेड दैट जस्ट बिफोर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर बेन जॉनसन वॉज विद विलियम शेक्सपियर, दे ड्रैंक टूगेदर और बिकॉज ऑफ हाई ड्रिंकिंग शेक्सपियर वॉज एफ्लिक्टेड विद फीवर और उसी से शेक्सपियर की डेथ हो गई। एंड वेन शेक्सपियर्स प्लेज द फर्स्ट फोलियो कॉल्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज पब्लिश होता है 1623 में, तो इंट्रोडक्टरी पोयम वॉज रिटेन बाई बेन जॉनसन एंड बेन जॉनसन डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज सोल ऑफ द एज, विलियम शेक्सपियर को सोल ऑफ द एज डिस्क्राइब किया था किसने, बेन जॉनसन ने। तो बेन जॉनसन वॉज कंटेम्प्ररी राइवल पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ जो है एलिजाबेथन पीरियड एंड ही वॉज अ लिंक बिटवीन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। ही वॉज अ क्लासिसिस्ट, ही हैड लर्न्ड द क्लासिकल प्लेस क्लासिकल ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज एंड इन इमिटेशन ऑफ द ग्रीक प्लेराइट अरिस्टोफेन्स ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज एंड ही डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ कॉमेडी दैट इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ह्यूमर डज नॉट मीन ओनली इंटरटेनमेंट। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, ह्यूमर्स वर द पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। द कॉमेडी विच बेन जॉनसन क्रिएटेड इज नोन एज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर not in its modern sense but medieval sense। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेन जॉनसन was a classicist, he was the follower of Greek and Roman playwrights, but जब वो ड्रामा लिखना शुरू करता है then for the raw material for his comedy of humors he did not go to the classics but he went to his immediate past और हिज इमीडिएट पास्ट जो है वो मेडिवल पीरियड है, वो वहां पर जाता है। इट वॉज सपोज दैट एवरी मैन हैड फोर ह्यूमर्स, राइट, सबके पास मेडिवल साइंस के हिसाब से फोर ह्यूमर्स होते हैं एंड द फोर ह्यूमर्स आर फोर फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो फोर फ्लूइड्स होते हैं। And the preponderance of either या the preponderance of any of the humors, अगर किसी भी ह्यूमर की preponderance हो जाए, अधिकता हो जाए one of these humors की, तो it gave a distinct twist or bias to a man's disposition to a man's temperament। Excess of any humors जो है twists human temperament, twists human way of behavior, उसको पूरी तरीके से बदल देती है, human temperament को change कर देती है और वही excess जो है किसी एक की excess किसी एक character में अगर आ जाए तो उसका behavior पूरी तरीके से बदल जाता है और वो behavior क्या बन जाता है बदल करके वो comedy बन जाता है और उसी को comedy of humors कहा जाता है। और वो फोर ह्यूमर्स कौन कौन से हैं? वो फोर ह्यूमर में कलर, CHOLER ये कलर है, ये
कलर रंग वाला कलर नहीं है, कॉलर है, सी एच ओ एल ई आर, कॉलर, और जो है बाइल, फ्लेम और ब्लड, बाइल, फ्लेम एंड ब्लड, दीज आर द फोर ह्यूमर्स, ये चार ह्यूमर्स है और यही आपके पेपर में आएगी भी, और द प्रीपोंडरेंस ऑफ एनी ऑफ दीज ह्यूमर्स ट्विस्ट द टेम्परामेंट, ट्विस्ट द बिहेवियर ऑफ अ मैन, उसके बिहेवियर को चेंज कर देती है। सपोज दैट किसी में अगर कलर की एक्सेस हो जाती है तो आदमी जो है कलरिक बन जाता है, कलरिक मीन्स वो इरिटेबल पर्सन बन जाता है, ही इज एन इरिटेटिंग फेलो एंड ही इज एन इरिटेटेड फेलो, दोनों बन जाता है वो, इफ ही हैज द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट लिक्विड दैट इज कलर, राइट, कलरिक बना देता है, इरिटेटिंग या इरिटेबल बना देता है। अगर किसी के अंदर बाइल की एक्सेस है, एक्चुअली देर आर टू बाइल्स, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, अगर बाइल की एक्सेस है तो आदमी का जो मूड हमेशा दुखी होता है वो उसको मेलंकोलिक बना देता है। राइट, उसको मेलंकोलिक बना देता है, उसको दुखी बना देता है, उसको सैड बना देता है। अगर फ्लेम की एक्सेस है तो आदमी एक्टिव ना होकर के इनएक्टिव हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, लेजी हो जाता है, और ब्लड की अगर एक्सेस है तो आदमी बहुत सैंग्विन होता है, बहुत ऑप्टिमिस्ट होता है। राइट, सैंग्विन ऑप्टिमिस्ट होता है, एक्सेस ऑफ ब्लड, तो दीज फोर बॉडीली ह्यूमर्स डिसाइड द टेम्परामेंट ऑफ अ बीइंग, टेम्परामेंट ऑफ अ मैन, और एक्सेस ऑफ एनी ऑफ दीज या लैक ऑफ एनी ऑफ दीज चेंज द टेम्परामेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इफ ही इज कलरिक देन हिज बिहेवियर विल बी इरिटेटिंग, इरिटेबल एंड इरिटेटेड दोनों होगा, इफ ही हैज एक्सेस ऑफ लैक ऑफ बाइल then he will be very much pessimist, very much melancholy, and if he is the victim of flame, then he will be very slow, very sluggish, very inactive, and if he has excess of blood, तो वो कैसा बन जाएगा, वो बहुत optimistic होगा, वो बहुत sanguine होगा, right? ये पूरा theory है comedy of humors की। As far as your examination is concerned, तो पहला यही question आएगा कि हु वॉज द प्रोपोगेटर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का प्रोपोगेटर कौन था, तो आप उत्तर लगा लेंगे, आंसर टिक कर देंगे बेन जॉनसन। अगर ये आए कि फोर ह्यूमर्स कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कि कलर, बाइल, फ्लेम और ब्लड, ये फोर ह्यूमर्स है। ऑप्शन में चार चार का ही ऑप्शन दिया होगा, किसी में कुछ एक चेंज होगा, किसी में दूसरा चेंज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले एक्सेस ऑफ कलर कैसे पर्सन को क्रिएट करता है, तो आप आंसर करेक्टली टिक कर पाएंगे, कलर से कलरिक या इरिटेबल बनता है, राइट, ब्लड से सैंग्विन, फ्लेम से स्लगेश और बाइल से पेसिमिस्ट या मेलंकोलिक बनता है, राइट। तो ये सारी ये थ्योरी जो है ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की है, जो पूरी तरीके से ह्यूमर्स मेडिवल साइंस की चीज है, मेडिवल मेडिकल साइंस की चीज है ह्यूमर, और ये फोर बॉडीली ह्यूमर्स होते हैं, फोर बॉडीली लिक्विड्स होते हैं, राइट। और दूसरी बात ये कि बेन जॉनसन वॉज अ क्लासिकल स्कॉलर, क्लासिकल स्कॉलर एंड द फॉलोवर ऑफ द ग्रीक प्लेराइट अरिस्टोफेन्स
अरिस्टोफेन्स को बोला जाता है क्या? अरिस्टोफेन्स इज सेड टू बी द फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी. फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी. और ओल्ड कॉमेडी होती क्या है बेसिकली? ओल्ड कॉमेडी जो होती है वह हमेशा सटारिकल कॉमेडी होती है, और बेन जॉनसन की जो कॉमेडी ऑफ यूमर्स है वो पूरी तरीके से सटारिकल कॉमेडी है. कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए, पहले उसको कवर करें और फिर हम प्रोसीड करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी तो आप पूछ लीजिए. अल्पना, रेनू, बुकेश, बबली, जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, इतने में तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नहीं बबली, ओल्ड कॉमेडी का फादर अरिस्टोटल नहीं है. अरिस्टोटल वॉज नॉट अ ड्रामेटिस्ट. अरिस्टोटल वॉज अ फिलोसोफर. अरिस्टोटल वॉज अ क्रिटिक, और उसने बुक लिखी थी पोइटिक्स, जिसमें ही टॉक्स अबाउट क्लासिकल ट्रेजेडीज, और एक चैप्टर क्लासिकल कॉमेडी पर भी है. अरिस्टोटल फादर नहीं है उसका. ट्रेजेडी का जो फादर है वो एस्किलस है, और कॉमेडी का जो फादर है वो अरिस्टोफेन्स है. दो टाइप की कॉमेडी बांटी गई, एक्चुअली तीन टाइप की, जिसमें ओल्ड कॉमेडी जो है उसका फादर है अरिस्टोफेन्स, और न्यू कॉमेडी का जो फादर है वह है मिनांडर. क्लियर? रेनू यादव जी, आप पुराने वीडियोस देखिए, आपको मिल जाएगा अरिस्टोफेन्स पर पूरा एक वीडियो ही. हमने जो क्लासिकल लिटरेचर शुरू किया था तो हमने अरिस्टोफेन्स को डिटेल में कराया था, उनके प्लेस की भी बातें की थी. आप डिटेल के लिए तो आप उन्हीं वीडियोस को देखिए. फिलहाल आपको हम ये बता दें कि अरिस्टोफेन्स वॉज अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट, ग्रीक कॉमेडियन, और हिज कॉमेडीज आर कॉल्ड ओल्ड कॉमेडीज. और ओल्ड कॉमेडीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो टू सटराइज, टू क्रिटिसाइज द लिविंग बीइंग्स. एंड इन हिज प्लेस अरिस्टोफेन्स सटराइज अरिस्टोटल, ही सटराइज एस्किलस, सोफोक्लीस, यूरिपिडीज एंड द अदर पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द टाइम एंड डेमागॉग्स ऑफ द टाइम. ही नॉट ओनली क्रिटिसाइज पर्सन्स बट ही आल्सो सटराइज द लॉ इंस्टीट्यूशंस, जिसने पॉलिटिकल फिगर्स क्लियोन जैसे लोगों को बनाया है, उन सबको सटराइज करता है, सटारिकल कॉमेडीज लिखता था. यही अरिस्टोफेन्स के बारे में बेसिक बातें हैं. बाकी उसके जो प्लेज है, चाहे वो द क्लाउड हो, चाहे वो द फॉक्स हो, और चाहे वो उसके अदर प्लेज, चाहे वो वास्प हो, वो सब सटारिकल कॉमेडीज ही है, सटायर ही है वो. और जब सोक्रेटिस को बाउल ऑफ पॉइजन दिया गया, ऐसा प्लेटो को लगता है कि उसके पीछे भी अरिस्टोफेन्स का ही हाथ था, उसके सटायर्स ही थे जिसने प्रवोक किया था किंग को टू सर्व अ पाउजे बाउल ऑफ पॉइजन टू सोक्रेट्स. राइट? तो ये दीज आर द बेसिक अबाउट अरिस्टोफेन्स, एंड आई कैन नॉट डेल्व इनटू डिटेल हियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अरिस्टोफेन्स एट लेंथ. एनीथिंग एल्स?
बेन जॉनसन के जो इम्पोर्टेंट प्लेज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्ले है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, नहीं द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर उस प्ले का नाम नहीं है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर तो उसके आर्ट है, उसके प्ले का नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। और एक इसका प्ले है द वॉल्पिन, और द फॉक्स एक प्ले है, द एल्केमिस्ट वार्थ लोब्यूफेयर ठीक है, ये उसके जो है, और एक प्ले है एपिसीन और द साइलेंट वुमन, एपिसीन और द साइलेंट वुमन। ये इंपॉर्टेंट प्लेज है किसके, बेन जॉनसन के, ठीक। और हर प्ले में एक्सेस ऑफ ह्यूमर की ही बात है, ये सब उसकी कॉमेडीज हैं। बेन जॉनसन की कॉमेडीज को सिटी कॉमेडीज भी कहा जाता है। सिटी कॉमेडीज उन प्लेस को कहते हैं जिनकी सेटिंग लंदन या पेरिस को हो, लंदन या पेरिस में हो उसको सिटी कॉमेडीज कहा जाता है। एक प्ले जो है वॉल्पिन और द फॉक्स, ये अपने आप में एक फेबल है, करेक्टर्स जो है इसके एनिमल्स है, वॉल्पिन इटसेल्फ फॉक्स होता है और फॉक्स ग्रीड का सिंबल होता है, और ये फेबल ही नहीं ये बीस्ट फेबल है। ये बीस्ट फेबल है और ये सिटी कॉमेडी भी है। एपिसीड और द साइलेंट ओपन दो बार द हो गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है बेन जॉनसन का। थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूं। द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ बेन जॉनसन कॉमेडीज इज एपिसीड और द साइलेंट ओपन, जिसका प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है बोरोज। राइट, बोरोज नाम होता है उसका, और बोरोज जो है एक रिच और ओल्ड बैचलर है, whose humor is his hatred of noise, इसको noise से बहुत घृणा है। hatred of noise का शिकार है और इसीलिए इसने
अपना घर ऐसी जगह पर बनवाया है जहां पर व्हीकल्स आ जा नहीं सकती, मतलब उस समय कार तो रही नहीं होगी, हॉर्स कार्ट ही रहा होगा और हॉर्स कार्ट के चलने से भी उसको डिस्टर्ब होता रहा होगा, इसलिए हिज होम इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट और देयर इज नो व्हीकुलर पैसेज, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और इतना ही नहीं, he lives in a narrow street which cannot admit vehicular traffic. He, the floors जो है उसके घर के, the floors are heavily cushioned, heavily carpeted, carpet heavy है, to muffle the tread of the servants' feet, ताकि उस पर जब servant चले तो उनके पैरों की आवाज ना आए। उसके जो दरवाजे हैं उसके हिंजेस में रोज आइलिंग होती है, तो रोज जब दरवाजा ओपन और शट हो तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आए। वन डे उसको ये पता चलता है, और इतना ही नहीं, उसके जो सर्वेंट्स है ना, दे डू नॉट स्पीक टू हिम इन वर्ड्स, इंस्टेड दे सिग्नल करते हैं उसको, और वो सिग्नल करता है ताकि बिल्कुल भी आवाज आए नहीं। ठीक है, He does not approve of his, उसका एक नेफ्यू है, उसका नाम है यूजीन, EUGENIE, अब ये अनमैरिड है, बैचलर है, ओल्ड है, और यूजीन इज हिज नेफ्यू, और मोरोज को ये लगता है कि आफ्टर हिज डेथ यूजीन विल बी नेचुरल इनहेरिटर of his property, or he does not approve using and to cut him off inheritance or to cut him off from inheritance he decides to marry if he can get a perfectly silent woman, right? अगर उसको एक perfect silent woman मिल जाए तो वो शादी कर लेगा। एक उसका बार्बर है और उसका नाम है कट बियर्ड, कट बियर्ड इज अ बार्बर, एंड कट बियर्ड हिज बार्बर इन लीग विद यूजीन फाइंड्स सच अ वुमन इन एपिसीन, एपिसीन उसको मिलती है और ऐसी बिल्कुल परफेक्ट साइलेंट वुमन है, और यूजीन और कट बियर्ड दोनों उसको ढूंढते हैं। अब द मैरिज सेरेमनी इज परफॉर्म्ड विद पैशन, एक ऐसा आदमी आता है बाई ए पर्सन हु कैन हार्डली स्पीक बिकॉज ऑफ हिज या बिकॉज ऑफ अ बैड कोल्ड, जैसे मुझको बैड कोल्ड है ऐसे उसको बैड कोल्ड है और वो बोल नहीं सकता है, और अगर बोलेगा तो डिस्टर्ब भी होगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति ढूंढा भी गया है। When the person coughs after the ceremony, he is asked to give 5 shillings of her, of his paid to him. उसको पनिशमेंट करना है, देना है, तो 5 shillings उससे वापस मांगता है। He shames it only by coughing more on cut beards instructions and is thrust out of the house. फिर उसको घर से भगा दिया जाता है, शादी हो जाती है, और साइलेंट वुमन जो है ना, टाइटल ही अपने आप में कितना पैराडॉक्सिकल है कि एक वुमन भी हो और साइलेंट भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो कंप्लीट एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन का, कंप्लीट एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। एज सून एज ही मैरिज और एपिसीन कम्स होम, शुरू कर देता है वो अपना, शुरू कर देती है इनफैक्ट अभी वो अपना नाटक। इमीडिएटली आफ्टर मैरिज द वाइफ फाइंड्स हर टंग विच सी बिगिंस टू यूज विगरसली बाय स्कोल्डिंग द हस्बैंड एंड अदर काउंटर मांडिंग ऑफ हिज ऑर्डर्स, बड़बड़ाना शुरू कर देती है, डांट फटकार लगाना शुरू कर देती है।
एक पार्टी आती है लेड बाय यूजीन एंड हिज फ्रेंड्स कंप्लीट विद द बैंड नाउ एंटर्स टू सेलिब्रेट द वेडिंग पार्टी बैंड वाइफ हैज फाउंड हर टंग शी हैज स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर्स टू सर्वेंट्स एंड शी हैज स्टार्टेड नॉट टू फॉलो एनी ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ यूजीन सो यूजीन जो है बहुत परेशान हो जाता है और जब वो परेशान हो जाता है तो क्या कर सकता है वो ही हैज हैप्पीली मैरिड संयोग से लकली उसकी शादी हो गई है अब तो वो कुछ कर नहीं सकता है तो ही गोज टू द कोर्ट फॉर डिवोर्स डिवोर्स के लिए वो कोर्ट चला जाता है ही इज सो फ्राइटेड बाय द नॉइज ऑफ रेगुलर लॉयर्स दैट ही हास्टेंस बैक होम कोर्ट आप देखते ही है कि वकील और मुवक्किल कितना शोर मचाते हैं कचहरी में शोर को सुन करके तुरंत वापस होता है तुरंत वहां से भागता है एक उसका दोस्त है अ फ्रेंड क्या कर सकता है वो पूछता है उसे कि उसको डिवोर्स करना है तो कहता है कि डिवोर्स वही कराएगा जो शादी करवाया है और शादी तो चर्च ने करवाई है इसलिए चर्च भी जाता है डिवोर्स के लिए चर्च भी मना कर देता है इवन यू हैव मैरिड टुडे एंड विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल नाइट हाउ कैन यू डिवोर्स योर वाइफ और हाउ कैन चर्च अप्रूव योर डिवोर्स विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर ग्राउंड डिसअपॉइंटेड ही कम्स बैक अगेन वापस फिर आता है And now he consults Cutbeard and Eugene कि अब इसे मुझे मुक्ति दिलाओ After lengthy and noisy arguments with a lot of Latin thrown in it, it is concluded that there is no valid ground for divorce. In this predicament, Eugene offers to get his uncle rid of The woman, if he allows him £500 a year during his life and names him his heir after his death. Eugene बोलता है कि he is able to get his uncle rid of from this predicament if Morose allows him £500 per year and After his death, he appoint him the heir to his property. अगर property का उसको मालिक बना दे तो भी वो क्या कर देगा उससे मुक्ति दिला देगा अब यूजीन या सॉरी मोरोस ये सोचता है जो काम चर्च नहीं करा पाया जो काम कोर्ट नहीं करा पाया वो ये काम करा क्या करवा देगा और अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में He agrees to the proposal. तुरंत सहमत हो जाता है. On Morose's agreeing to the terms, Eugene pulls off the wig of Epicene and other disguises to discover him as a boy. Epicene was in fact not a woman, but Epicene was a boy. आज उसको विग दिया गया था विग पहना था वो एक लड़का लड़की के रोल में था और इट वाज अ वेल प्लान्ड प्लान ऑफ Cutbeard एंड यूजीन जब वो लड़का होता है एपिसीन लड़का साबित हो जाता है और होता ये है कि मोरोस गेट्स रिड ऑफ हिज साइलेंट वुमन एंड ही डजंट हैव एनीथिंग टू गो टू हैव लीव अब उसके पास कोई चांस नहीं है और यूजीन जो है नाउ ही विल गेट £500 पर ईयर एंड ही इज द सक्सेसर टू हिज प्रॉपर्टी और यहीं पर प्ले एंड हो जाता है और ये उसका हेट्रेड ऑफ नॉइस था अगर वो एक आध दिन बिताता भी जो है एपिसीन के साथ तो हो सकता है कि वो अपने आप ट्रेस कर लेता कि द वाइफ जो उसकी बनी है वाइफ इज नॉट अ शी बट अ ही और उसको इस चीज से
बच भी जाता, उसको अपनी प्रॉपर्टी का जो है हेयर अपॉइंट ना करना होता, बट एक्सेस जो होता है, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, और यही स्टोरी है एपिसीन और द साइलेंट वुमन की। क्लियर? तो इस टाइप का जो प्ले है उसके क्रिएटर जो है मिस्टर बेन जॉनसन है, इसी को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ द अदर कॉमेडीज ऑफ जॉनसन, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एक प्ले है सिंथियाज रिवेल्स, एक है द पोइटास्टेड। ये सब है तो प्लेस, बट दे आर नॉट एज इंटरेस्टिंग एज एंटरटेनिंग एज द एपिसीन द साइलेंट वुमन और वॉलपिन द फॉक्स इज, जैसे कि ये सब है। राइट, ये बाकी जो प्लेज है सिंथियाज रिवेल और पोइटास्टेड, दे आर टीडियस, बींग डोमिनेटेड बाई सटायर एंड सेल्फ प्रेज। जो सिंथियाज रिवेल है, सिंथियाज रिवेल इज रिडीम्ड बाई सॉन्ग क्वींस एंड हंट्रेस चेस्ट एंड फेयर, एक सॉन्ग है उसी प्ले में जो उसकी बोरिंगनेस को, उसके टीडियसनेस को थोड़ा सा कम करता है, थोड़ा सा घटा देता है। राइट, और अपार्ट फ्रॉम द प्लेज बेन जॉनसन इज ऑल्सो नोन फॉर मास्क। बेन जॉनसन को मास्क के लिए भी जाना जाता है। मास्क क्या होते थे? मास्क जो है एक कोर्टली इंटरटेनमेंट हुआ करता है। क्वार्टरली एंटरटेनमेंट, हाईली डेकोरेटिव प्लेस परफॉर्म्ड बाय अमैच्योर करेक्टर्स। परफॉर्म्ड भाई अमेच्योर करेक्टर्स जी, बहुत फनी स्टोरी है बबली, ये कॉमेडी है ना, कॉमेडीज ऐसे ही फनी होती है। मास्क क्वार्टरली इंटरटेनमेंट होता है, हाईली डेकोरेटिव, बहुत भारी भरकम कपड़े पहनते हैं इसके एक्टर्स, और एक्टर्स जो है वो अमेच्योर होते हैं। अमेच्योर मींस अनप्रोफेशनल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। एंड सम टाइम्स रॉयल हाउस होल्ड के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रॉयल हाउस के एक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसको मास्क कहा जाता है। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट जैकोबियन पीरियड में मास्क बहुत फैशन में हो गए थे। बेन जॉनसन मास्क लिखता था और एक इसका कोलेबोरेटर था जिसका नाम था इनिगो जोन्स। इनिगो जोन्स वॉज द डिजाइनर, डिजाइन करता था, और बेन जॉनसन जो है ही वॉज द राइटर, ये लिखता था और ये उसको डिजाइन करता था। राइट, इनिगो जोन्स और बेन जॉनसन, ये मास्क के दोनों क्रिएटर्स थे। जेम्स के पीरियड में बहुत फैशन में था, जैकोबियन पीरियड में, और शेक्सपियर के भी एक प्ले में मास्क है, और वो प्ले कौन सा है? वो है एज यू लाइक इट, जब शादी होती है रोजालिंड और सीलिया की। राइट, इन लोगों की जब चारों मैरिजेस होती हैं तो सेलिब्रेशन के लिए एक मास्क परफॉर्म किया जाता है, और वो मास्क कोर्टली एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। और ये मास्क जनरली कोर्ट में ही परफॉर्म होते थे, ये थिएटर्स में परफॉर्म नहीं होते थे, और बेन जॉनसन इसके लिए
काफी फेमस था। बाद में मिल्टन ने भी एक मास्क लिखा है जिसका नाम है कामू। मिल्टन पर आऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मास्क के बारे में इतना जान लीजिए कि हाईली डिजाइंड प्लेस होते थे, हाईली एलेबोरेटेड प्लेस होते थे। बेन जॉनसन वॉज द प्राइम राइटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ड्यूरिंग जैकोबियन पीरियड एंड शेक्सपियर ऑल्सो इंट्रोड्यूस मास्क इन हिज प्ले एज लाइक इट। क्लियर, इतना अगर हो जाए तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। बेन जॉनसन बहुत ही शरारती आदमी था और अपने लाइफ में हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहता था। कंट्रोवर्सी कभी उसकी पॉलिटिकल हो जाती थी, कभी उसकी एकेडमिक कंट्रोवर्सी हो जाती थी, राइट। जैसे अपने करियर के शुरुआत में ही बेन जॉनसन ने एक प्ले लिखा था द आइल्स ऑफ डॉग्स। द आइल्स ऑफ डॉग, और हाँ द आइल्स ऑफ डॉग में ही कोलैबोरेटेड विद थॉमस नैश। थॉमस नैश के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया था, इनकी पिकरेस्क नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक, लाइफ ऑफ जैक विल्टन, वो थॉमस नैश है, द आइल्स ऑफ डॉग्स। और इसमें काम क्या किया था, Isles of Dogs suppressed after causing great offense. Arrest warrants for Johnson and Nash were issued by Queen Elizabeth. So called interrogator Richard Topcliffe था, उसने इनके खिलाफ arrest warrant issue कर दिया और Johnson was jailed in Marshalsea prison and charged with lewd and म्यूटिनस बिहेवियर। इसमें उसने एक क्रांति लाने की कोशिश की आइल्स ऑफ डॉग में, और इसमें उसका जो बिहेवियर था, जिसको गंदा बिहेवियर कहते हैं, देशद्रोही, उसको घोषित किया गया, कहा गया कि वो ल्यूड और म्यूटिनस बिहेवियर के वजह से ये उसके ऊपर चार्ज लगाए गए, ल्यूड एंड म्यूटिनस बिहेवियर का। और इसके लिए जो है डॉक्टर जो है बेन जॉनसन वॉज इम्प्रिजेंड, जेल में उनको बंद कर दिया गया। थोड़े दिन के बाद वहां से छूट करके आए भी, और खुराफाती तो थे ही। हुआ क्या कि ही वॉज इन्वॉल्व इन अ मर्डर, राइट, वे एक मर्डर में इन्वॉल्व हो गए, और उस मर्डर के बाद Once again he was sent to the prison. इस बार क्रिमिनल के प्रिजन, न्यू गेट प्रिजन में भेजे गए। कुछ दिन वहां फिर बिताया और फिर वापस चले आए अपने क्लर्क के दोस्त के वजह से। जेल में ही इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म छोड़ करके कैथोलिसिज्म को एडॉप्ट कर लिया, कैथोलिक हो गए। और जब जेम्स किंग बनता है तो कैथोलिसिज्म को थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिलना शुरू होता है, तो यह पूर्ण रूप से जो है कैथोलिक बन गया। अपार्ट फ्रॉम दीज टू अफेयर्स ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द वॉर ऑफ थिएटर्स। एक वॉर ऑफ थिएटर्स हुआ था, वॉर ऑफ थिएटर्स को पोएटो मैचिया भी कहा जाता है। पोएटो मैचिया भी कहा जाता है, और इसमें भी ये भाई साहब पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे। एक्चुअली हुआ ये था कि इन्होंने अपने कंटेम्पररी के साथ मिलकर के एक प्ले लिखा था, और उस प्ले के वजह से इनके कंटेम्पररी, एक इनके कोलेबोरेटर थे, नाम था जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जॉर्ज चैपमैन ने
क्रिस्टोफर मार्लो की जो इनकम्प्लीट पोएम थी हीरो एंड लिएंडर, उसको कंप्लीट किया था। तो जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन और मार्स्टन, तीन लोगों ने मिलकर के जॉनसन, चैपमैन और मार्स्टन, इन तीनों ने मिलकर के एक प्ले लिखा। नाम था उसका ईस्ट वर्ल्ड हो। ईस्ट वर्ल्ड हो और इस ईस्ट वर्ल्ड हो में दे सैटराइज्ड द किंग जेम्स। किंग जेम्स को इन्होंने सैटराइज किया और रिजल्ट ये हुआ इनको सजा सुनाई गई और सजा का नतीजा ये हुआ कि सजा तो ये नहीं काट पाए जो सजा इनको सुनाई गई थी। एक मिनट, राइट right, इसमें इन्होंने क्या किया था, स्कॉटलैंड को सैटराइज किया था। ही क्रिटिसाइज्ड, सॉरी ही नहीं, दे क्रिटिसाइज्ड सिटी कस्टम्स एंड स्कॉटिश पीपल। किंग जेम्स फर्स्ट वाज स्कॉटिश एंड ही वाज ऑफेंडेड बाय देयर अप्रोच and all of the three playwrights were imprisoned. Eastward Ho even parodies popular plays performed by the adult companies such as The Hamlet, The Spanish Tragedy, Tamburlaine the Great. उन सबको satirize कर रहा था, इसलिए इन तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया अपने इस काम के लिए। और द प्लेस टाइटल में हुआ क्या था, एक और जो है प्ले राइट था, नाम था थॉमस डेकर। थॉमस डेकर ने एक प्ले लिखा और इसके प्ले का नाम था वेस्ट वर्ल्ड हो। और एक प्ले था जॉन वेबस्टर, वेबस्टर ने लिखा नॉर्थ वर्ल्ड हो। राइट, तो ये पूरी जो है सीरीज सब लोगों ने शुरू कर दिया। जो मेन चीज मैं आपको बता रहा था, थिएटर्स ऑफ वॉर जिसको पोर्टो माचिया कहते हैं, ठीक है, ये थॉमस डेकर ने इसको पोएटो माचिया बोला था, वॉर ऑफ थिएटर्स को
पोएटो माचिया बोले था थॉमस डेकर ने, बेस्ट वर्ड हो थॉमस डेकर ने ही लिखा था, बेस्ट वर्ड हो और उसी ने पोएटो माचिया बोला था। और एक कंट्रोवर्सी थी दो सालों के लिए 1599 से लेकर के और 1602 तक, ये टाइम है द वॉर ऑफ थिएटर्स का, बिकॉज ऑफ एन एक्चुअल बैन ऑन सटायर इन प्रोज एंड वर्स पब्लिकेशन इन 1599, एक बैन लगाया गया था पोएट्स पर 1599 में कि कोई भी वर्स में या प्रोज में सटायर नहीं लिखेगा, उसको बिशप्स बैन ऑफ 1599 कहा जाता है। बिशप्स बैन ऑफ 1599 कहा जाता है और इस बैन के तहत प्रोज एंड वर्स सटारिकल राइटिंग्स वर बैंड। द सटारिकल अर्ज हैड नो अदर रिमेनिंग आउटलेट देन द स्टेज। द रिजल्टिंग कंट्रोवर्सी विच अनफोल्डेड बिटवीन 1599 एंड 1602 कॉल्ड वॉर ऑफ थिएटर्स आर पोएटो माचिया इन्वॉल्व्ड द प्लेराइट बेन जॉनसन, मार्स्टन एंड थॉमस डेकर। ये तीन लोग इस वॉर ऑफ थिएटर्स में इन्वॉल्व थे। द रोल शेक्सपियर प्लेड इन द कॉन्फ्लिक्ट इफ एनी हैज लॉन्ग बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट अमंग स्कॉलर्स। और होता यह था कि ये तीनों प्लेराइट्स एक दूसरे को सटराइज करने के लिए प्लेज लिखते थे। शुरुआत इसकी सबसे पहले मार्स्टन ने किया था और मार्स्टन ने एक प्ले लिखा जिसका नाम था हिस्टीरियो मैस्ट्रिक्स। और उसमें मार्स्टन ने क्या काम किया, ही सटराइज्ड बेन जॉनसन, बेन जॉनसन को सटराइज किया। जॉनसन कहाँ चुप रहने वाले थे। जॉनसन ने प्ले लिखा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और उसमें उन्होंने मार्स्टन को सटराइज किया। मार्स्टन ने फिर से रिप्लाई किया, एक दूसरा प्ले लिखा और उसका नाम था जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट। और जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट में उन्होंने फिर बेन जॉनसन को सटराइज करते हुए उसको ब्रैबेंट सीनियर और ककोल्ड बोल दिया। फिर से रिप्लाई किया बेन जॉनसन ने और फिर प्ले लिखा आज है सिंथियाज रिबेल्स। और सिंथियाज रिबेल्स में जॉनसन सटराइजेस बोथ मार्स्टन एंड डेकर। डेकर की यहां पर टांग खिंचाई कर दी। द फार्मर इज थॉट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैरेक्टर हेडन एंड द लेटर जो है वो दूसरे कैरेक्टर जिसका नाम था एनाइड्स उससे रिप्रेजेंट हुआ है। मार्स्टन ने फिर एक प्ले लिखा और उसकी टाइटल थी व्हाट यू विल, अ प्ले मोस्ट लाइकली टू बी परफॉर्म्ड बाय चिल्ड्रंस ऑफ पॉल। और उसमें उसने व्हाट यू विल में फिर बेन जॉनसन पर हमला बोल दिया। बेन जॉनसन ने फिर रिस्पॉन्ड किया और प्ले लिखा द पोएटास्टर। और पोएटास्टर का मतलब होता है माइनर पोएट्स। और उसमें सबको क्रिटिसाइज किया, सबको सटराइज किया और फिर लास्ट में जो प्ले आया वो फिर से मार्स्टन का था, सॉरी वो डेकर का था और उस प्ले का नाम था सटैरोमैट्रिक्स। राइट, सटैरोमैट्रिक्स में उसने फिर से क्रिटिसाइज किया बेन जॉनसन को, राइट, एज एन एरोगेंट एंड ओवरबियरिंग हाइपोक्राइट कह करके।
मतलब ये वॉर ऑफ थिएटर्स जो था, इट वॉज अ थिएट्रिकल वॉर बिटवीन मार्स्टन जॉनसन एंड डेकर. मेनली मार्स्टन एंड जॉनसन वर इन्वॉल्व इन द वॉर, और फिर उसमें डेकर का भी नाम आ जाता है. द वॉर वॉज स्टार्टेड बाई मार्स्टन विद हिज प्ले हिस्टीरियो मैस्टिक्स एंड इट एंडेड विद द प्ले रिटन बाई आज है डेकर, और उस प्ले का नाम है थर्टीरियो मैस्टिक्स. क्लियर? तो दिस वॉज द इंटायर वॉर ऑफ थिएटर्स, इंटायर वॉर है ये, जिसको पोइटोमैचिया कहा है थॉमस डेकर ने. जी डेफिनेटली उत्कर्ष जी, अगर आपने चार क्लासेस छोड़ दी हैं तो आपको जरूर प्रॉब्लम होगी. आप चीजों को छोड़िए नहीं, आप चीजों को कवर करते चलिए. जी नॉर्थ वर्ल्ड हो वॉज रिटेन बाई, नॉर्थ वर्ल्ड हो वॉज रिटेन बाई, अभी हमने यहाँ पे लिखा तो था वेबस्टर. थॉमस डेकर का है वेस्ट वर्ल्ड हो, और जॉनसन चैपमैन और मार्स्टन का है ईस्ट वर्ल्ड हो. ये पूरी लाइन है, ये पूरा सीक्वेंस है प्ले का. वॉर ऑफ थिएटर्स में इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स के नेम्स भी याद रखिएगा, वो भी आपके पेपर में ताबूत की कील बनेंगे. कुछ भी वहां से भी पूछा जा सकता है. मैंने वॉर ऑफ थिएटर्स में प्लेस के नेम्स नहीं लिखे हैं, बट हमने नेम्स बता जरूर दिए हैं. यू कैन सर्च द प्लेस ऑन गूगल, ऑन एनी अदर इंटरनेट डिवाइस पर आपको मिल जाएगा. And you do not need to delve into all the place as far as you are a PGT aspirant. But if you are seeking your career in university or degree college, then you must be aware of all these places. You must be aware of the characters and the stories as well. Right? But अगर सिर्फ PGT और TGT की बात है तो जितना हमने बता दिया है वो more than enough है. आप बिल्कुल भी वहां आगे tension नहीं लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. आज हमने किस किस राइटर को कवर कर दिया ये भी देखिएगा. सिर्फ बेन जॉनसन ही नहीं, मार्स्टन भी आ गए हैं, और यहाँ पर चैपमैन भी आ गए हैं, डेकर भी आ गए हैं. डेकर का एक इंपॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है शूमेकर्स हॉलिडे, उसका भी नाम आप जाने रहिएगा. स्टोरी बहुत है तो बहुत मजेदार ही, लेकिन आज बता नहीं पाऊंगा. द शू मेकर्स हॉलीडे ये थॉमस डेकर का प्ले है, और ये भी एक सिटी कॉमेडी है. राइट, सिटी कॉमेडी है. और जॉन वेबस्टर जो है, जॉन वेबस्टर किस लिए जाना जाता है? फॉर हिज डोमेस्टिक ट्रेजेडीज. दो ट्रेजेडीज वेबस्टर की बहुत फेमस जो है, उसमें एक का नाम है द व्हाइट डेविल. द व्हाइट डेविल और फिर डचेस ऑफ माल्फी. और डेकर की बात, ये शूमेकर्स हॉलिडे और ये व्हाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी. और इसके अलावा एक दो माइनर राइटर्स और हैं, जिसमें एक मिडिलटन है और एक हेवुड है. इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. एंजॉय द वीडियो, लिसन, वॉच दिस वीडियो मेनी टाइम्स, सो दैट आपके दिमाग में चीजें इतनी बार सुन लीजिए कि एक एक बिल्कुल फिट हो जाए, एक एक वहां पर भर जाए. और जब एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप जब पेपर में जाओगे तब बिल्कुल भी गलती नहीं होगी. आप हर क्वेश्चन कर करके आओगे. ऑल द बेस्ट, गुड लक. उत्कर्ष जी, इग्नू के लिए कोई गाइड रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है. इग्नू वाले तो अपने आप ही नोट्स भेजते हैं. वो नोट्स भेजते हैं, और वो नोट्स पढ़िए, और वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके पूरे करियर के लिए. राइट, नॉट ओनली फॉर योर एमए बट फॉर योर करियर, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इसलिए आप इन सबको आज है पढ़ डालिए एक तरफ से.